खरगोन शासकीय पीजी कॉलेज में मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्र संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के आरंभ में जननायक कोमुरम भीमोड़ो पर आधारित गीत एवं वीडियो का प्रसारण किया गया। इस मौके पर झाबुआ के समाज सेवी राजाराम कटारा ने अपने उद्बोधन में बताया कि भारतीय गौरव से जुड़ी समस्त लड़ाइयों में, आंदोलनों में तथा क्रांतियों में जनजातीय समुदायों ने पूर्ण समर्पण और पराक्रम के साथ अपना योगदान दिया। झाबुआ जिले में मातावन जैसी परंपरा सभी समाजों को वनों के प्रति भक्ति। जनजाति संयोजक संतोष बघेल ने बताया कि जनजातीय समुदाय कभी भी स्वयं के लिए नहीं लड़ा, वह तो हमेशा वसुदेव कुटुंब की भावना से सभी के कल्याण के लिए तथा सभी की सुख समृद्धि के लिए संघर्षरत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। रिसर्च करें, हम उनकी हाँ में हाँ क्यों मिलाएंगे? हम हमारे समाज की वास्तविकता को लाए, हम नई पीढ़ी के सामने वो बात लाए, हम देश के सामने उस इतिहास को लाए, और हम ला सकते हैं। क्योंकि इस समय जो हमारी उम्र है, इस समय हम सारे गुरुजन बैठे हैं, इस समय हम युवा विद्यार्थी बैठे हैं, हमने अगर इस तरह का संकल्प लिया तो हम आने वाले कुछ साल में हमारे पूरे भारत के आदिवासी समाज की वास्तविकता को, उस योगदान को, उस बलिदानी परंपरा को देश के सामने ला सकते। यह करना तो हमको ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि ये कोई और करेगा तो ऐसा संभव तो नहीं। और कोई क्यों करे भाई, और कोई क्यों करे, बात तो वो है। और इसलिए हमको इस पूरी परंपरा का पुनर्जागरण करना। ये इतिहास बहुत लंबा है, ये कोई आधा घंटे का विषय भी नहीं है, पर हम खोजेंगे तो मिलेंगे। और मैं तो सब जगह जाके क्या बात बोलता हूं कि बेशक ये इतिहास संघर्षों का है, पर इस संघर्ष के इतिहास के अलावा जो सृजन का इतिहास है, जिससे ये दुनिया चल रही है, उसमें आदिवासी समाज का सबसे बड़ा योगदान है। अगर वो आदिवासी समाज नहीं करता तो दुनिया जिंदा ही नहीं। भाई क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सी फसल आना, इसकी खोज किसने करी होगी? हम लोगों ने करी है, पर इसको कभी हाईलाइट नहीं किया जाता है। कौन सी जड़ा बूटी कौन बीमारी में काम आएगी, इसकी खोज किसने करी होगी? मैंने तो आपको यह गर्व का विषय है कि भारत की आजादी के 75वें अमृत काल के दौरान जनजाति समाज के लोगों को अपने इतिहास से सारोकार होने का मौका देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के ज्ञात कालखंडों में अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आता है कि हर एक कालखंड में जनजाति समाज की अपनी भूमिका रही है। जनजाति समाज की जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो संघर्ष गाथा है, उनके जो महापुरुष है, उनके जो जीवन मूल्य है, यह आज देश के लिए एक ताकत बनकर उभर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों का यह जो सकारात्मक प्रयास है, यह जनजाति समाज में आत्मगौरव की अनुभूति देगा। जनजाति समाज के पढ़े लिखे वर्ग को रिसर्च करने का मौका मिलेगा। जनजाति समाज की जो वास्तविकता है वह देश के सामने जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जनजाति समाज भारत की समृद्धि में अपना बड़ा योगदान दे सकता है। जनजाति समाज का इतिहास देश के सामने आना चाहिए। मुझे यह कहने में बड़ा गर्व की अनुभूति होती है, चाहे संघर्ष की बात हो या सृजन की बात हो, इन दोनों में जनजाति समाज सदैव अग्रणी भूमिका में रहा है। और इसलिए मैं यह बहुत बार कहता हूँ कि देश आज़ाद होने के 75 साल में भले ही यह पहली बार हो रहा है, पर यह बड़ा सुखद है कि अब तक भारत के जनजाति समाज का इतिहास शिकारियों ने लिखा है। अब ऐसा होगा कि शेरों का इतिहास शेर स्वयं लिखेंगे, अच्छी भावना के साथ लिखेंगे, देश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। आज खरगोन महाविद्यालय में यह संगोष्ठी का आयोजन हुआ, उसमें देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के नोडल अधिकारी के रूप में सखाराम जी, यहाँ के प्राचार्य महोदय देवड़ा साहब और पूरे स्टाफ ने बहुत सराहनीय पहल करी और जनजाति समाज के इस गौरव गाथा को सबके सामने लाने का मौका मिला। धन्यवाद। मैं राजाराम कटारा, झाबुआ। आज शासकीय महाविद्यालय खरगोन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय है स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों की भूमिका।
ये जो विषय आया है ये देश के शीर्षस्थ विभाग मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से आयोग से आया है और आयोग की मंशा ये है कि इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में जिन भी अनुसूचित जनजाति नायकों ने योगदान दिया है वो उनके योगदान को कहीं पर भी लिखा नहीं गया है और वो लिखा जाना चाहिए और सही लिखा जाना चाहिए, उद्देश्य ये भी है। तो ये संगोष्ठी पहले विश्वविद्यालय स्तर पर पहले आयोजित हो चुकी है सितंबर अक्टूबर में, जिनमें IIT IIM एम्स या बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में ये संगोष्ठी आयोजन किया गया और इस तत्पश्चात आयोग ने इस पूरे समग्र एक सारे विश्वविद्यालयों की एक संगोष्ठी आयोजित दिल्ली में करी, जिनमें एक दिवस का कार्यक्रम विज्ञान भवन में था और दूसरा आधा दिन था वो IIT दिल्ली में था और आधा दिन राष्ट्रपति भवन में था। तो ये उद्देश्य के साथ जो ये जो संगोष्ठी हो रही है अब ये महाविद्यालय स्तर पर हो रही है, जिनमें इसका उद्देश्य यही है कि उच्च शिक्षा में जो शिक्षक हैं या उच्च शिक्षा में जो छात्र लोग पढ़ाई अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस क्षेत्र में शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें शोध करने के लिए संसाधन प्रोवाइड किया जाए। पर पहले बात यह है कि शोध आएगा कैसे, शोध का जो भूमिका होगी वो कैसे बनेगी, इस संदर्भ में अलग अलग जगह से जो भी विषय विशेषज्ञ है या जिन्हें मुख्य वक्ता के रूप में जो जानकार लोग हैं उन्हें मुख्य वक्ता के रूप में इन संगोष्ठियों में बोलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वैसे आज की संगोष्ठी में हमारे बीच हैं राजाराम जी कटारा जो समाज सेवी है झाबुआ के, और बाकी उनका जो उद्बोधन हमने आज सुना वो प्रशंसनीय है। हम जिन लोगों ने भी सुना होगा अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान से सुन पाए होगा, मुझे तो लग रहा था कि मेरे रोए खड़े हो गए, मैंने अपनी बात में भी ये बात की। तो इस संगोष्ठी का उद्देश्य शोध करना, रिसर्च करना और इन विचारों को हम अगली पीढ़ी को अगले भविष्य तक तो लोग पढ़ पाए, इसलिए ये संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। क्या नाम लिखते हैं? मैं प्रोफेसर सखाराम मुजालदे हूँ, देवीवल्लभ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और अभी पूरे संभाग का नोडल अधिकारी हूँ। जो ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है वो मेरे ध्यान में रहते ही आयोजित की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।